बनाने जा रही हूँ जर्दा। जर्दा बहुत ही टेस्टी होता है, बनकर और ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं जर्दा बनाने की। मैंने ये 2 ग्लास चावल के लिए हैं, ये सिल्ले के चावल हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये इनका कलर, इनके कलर से इनकी पहचान हो जाती है, ये सिल्ले के चावल हैं। अब मैं सबसे पहले इनको वॉश करती हूँ। मैंने इन्हें 3 बार पानी से वॉश किया है। अब मैं इन्हें भीगने के लिए आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। जब तक ये आधा घंटे के लिए भीगें, तब तक हम और चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट। सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ बादाम, ये जो कि मैंने 50 ग्राम लिए हैं, 50 ग्राम ही काजू लिए हैं, 20 ग्राम मैंने पिस्ता लिए है और 50 ग्राम छुहारे लिए हैं। चलें फिर सबसे पहले बादाम कट करते हैं। देखिए, मैंने बादाम को छीलकर उनके 2 पीस कर लिए हैं, इसे 2 पीस में कट कर लिया है मैंने बादाम को। अब और मैंने पिस्ता भी कट कर ली है, मैंने इसके लिए इस कटर का इस्तेमाल किया है पिस्ता कट करने के लिए। और मैंने बादाम भी कट कर लिए हैं, पिस्ता भी, काजू भी इस मशीन के ज़रिए। और मैंने चाकू से ये ड्राई डेट्स यानी कि छुहारा भी कट कर लिया है। अब हमारे ड्राई फ्रूट कट हो चुके हैं, चावल भीगे हुए आधा घंटा भी हो चुका है। अब हम चावल को बॉईल करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक भिगोना लिया है जो कि नॉन स्टिक है। अब हमें इसमें, मैंने इसमें 7 ग्लास पानी के डाले हैं। जितने ग्लास मैंने चावल के लिए हैं, उसी साइज़ के ग्लास से मैंने पानी लिया है, जो कि 7 ग्लास हैं। अब हम इसको, पानी को बॉईल करते हैं हाई फ्लेम पर रखकर। ये देखिए, इसमें अब हमें उबाल लाना है। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। थी मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज रेड कलर इस पानी में जो कि बॉईल हो रहा है। ये देखिए, मैंने 2 चुटकी ऑरेंज कलर के लिए जो कि मुझे इस पानी में मिक्स करनी है इस तरह से। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। इसके लिए हम चावल को पानी से अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने चावल में से पानी अलग कर दिया है। अब मैं इस बॉईल हुए हुए पानी में चावल को ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें बॉईल होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए, चावल धीरे धीरे बॉईल हो रहे हैं। हमें इसमें बीच में चम्मच चलाना है चेक करने के लिए कि पानी कम तो नहीं रह गया है। ये देखिए, चावल में थोड़ा भी कच्चापन है। इनमें थोड़ा, इन्हें ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, थोड़ा इनमें कच्चापन ही रहने देना है, नहीं तो चावल ज़्यादा घुल जाएंगे और जर्दा देखने में अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, हमारे चावल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हमें इसमें से पानी सेपरेट करना है। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कंटेनर, ये जो कि एक छलनी की तरह है। इसमें से सारा पानी निचुड़ जाएगा और चावल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए, पानी पूरी तरह से निचुड़ गया है। इसमें से पानी पूरी तरह से निकल चुका है चावलों में से, और चावल सेपरेट सेपरेट से लग रहे हैं। अब ये बिल्कुल बुरी तरह से, ये पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब हमें तैयार करना है चाशनी। इसके लिए मैंने एक भिगोना लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का डाल रही हूँ।
ये देखिए एक टेबल स्पून मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का डाल दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर रख लेती हूँ। ये देखिए मैं लो फ्लेम पर इस तेल को पकने के लिए रख रही हूँ, इस रिफाइंड ऑयल को। तब मैं इसमें, जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें हरी इलायची डालूँगी जो कि मैंने 5 या 6 ली है। मैंने, ये देखिए मैं 5 से 6 इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ। जब तक ये लाइट ब्राउन हो तब तक हम वेट करते हैं। ये देखिए इलायची लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी, जो कि मुझे 1.5 गिलास लेना है। 1 गिलास ये है। आधा गिलास ये है। चीनी के साथ ही हम चावल भी ऐड कर रहे हैं। हमें पूरे चावलों में से हाफ चावल चीनी में डालने हैं और हाफ अभी नहीं डालने हैं। ये देखिए मैंने हाफ चावल डाल दिए हैं। अब हम ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट। इसमें अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू, कटे हुए पिस्ता, कटे हुए छुआरे, अब बाकी चावल अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट डालने के बाद। अब हमें इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है और हल्का सा इसको मिक्स करना है। आधा बाउल पानी का मिक्स करना है। ये देखिए हमारे चावल बन रहे हैं, यानी कि जर्दा तैयार हो रहा है। हमें धीरे धीरे से बीच बीच में इसमें चम्मच चलाना है, जिससे कि चावल टूटे नहीं। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। देखिए हमारा जर्दा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमने इसको 15 से 20 मिनट के बाद खोला है। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए हमारा जर्दा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूंगी एक प्लेट में। देखिए मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब हम गार्निश के तौर पे इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, कोकोनट का बारूदा, इस तरह से। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक्स भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़।